बन के तितली मैं तो निकली। सो हेलो ब्यूटी सैम्स, और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हों, सेफ हों और हाँ मेरे वीडियोस को देखते रहें। सो आज के इस वीडियो में जो अभी आपने स्टार्टिंग के सीन्स देखे थे ना, वैसा ग्लो लाने का मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। फुल ट्यूटोरियल 100% नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ होगा, प्रोडक्ट नहीं नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स कहिए, क्योंकि इसमें हम कोई भी मीन्स कोई भी ऐसा फेस वॉश, फेस पैक, फेस स्क्रब, फेस जेल, फेस सीरम, फेस वगैरह 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 ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। और यही इस वीडियो का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि अधिकतर वीडियोस जो भी आपने देखे होंगे उसमें वो लोग दिखाएंगे दैट यूजिंग जेल्स, यूजिंग फेस पैक, यूजिंग फेस स्क्रब, यूजिंग फेस मास्क वगैरह वगैरह वगैरह, फिर से वही बात। तो आज हम लोग करने वाले नेचुरल प्रोडक्ट से ग्लो अप। सो ग्लो अप लाने के लिए वो भी नेचुरल प्रोडक्ट से, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फेस ग्लो मारे तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको अभी तक तो कुछ नहीं, पर बताते हैं। तो अभी मैंने आपको बताना है कि आपको एक कटोरी में दूध लेना है, वो भी ठंडा ठंडा मजे में। अगर सर्दियों में यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मल, ठीक है, और गर्मियों में कर रहे हो तो ठंडा। और ठंडे दूध में ना कॉटन डाल लो अपना, और इस कॉटन से ना अपने फुल फेस पे अच्छे तरीके से, नेक पर, पीछे नेक की साइड में, कानों के पास में, और अपने फुल फेस, फॉरहेड तक अच्छे से अपने फुल फेस पे मिल्क अप्लाई करो, या फिर मिल्क से हल्की हल्की मसाज भी करते रहो कॉटन से, पर अभी कॉटन से ही करते रहना है। मीन्स अराउंड 5 मिनट्स के लिए कर लो, या फिर जब तक आपको अच्छा लगे तब तक के लिए करते रहना है। उतने में ही मतलब आपका फेस ग्लो करने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ मिल्क। अगर जैसे आप कोई वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मास्क, आप कोई जॉब करते हो तो आपको फुल डे अगर बाहर रहना पड़ता है तो इन्वायरमेंट के पॉल्यूशंस की वजह से, धूप की वजह से आपके फेस का भी कलर डल हो जाता है। और इस डलनेस को मिटाने के लिए आपको क्या करना है, वही करना है जो मैंने बताना है। तो आपको कहना है आपके फेस को मिल्क से क्लीन, क्योंकि मिल्क वैसे भी एक नेचुरल क्लेंजर होता है। ये चीज़ तो आपने पहले से ही सुनी होगी, मिल्क इज़ अ नेचुरल क्लेंजर। बाकी क्लेंजर वगैरह वगैरह खरीदने से तो बढ़िया ही है कि आप एक मिल्क का पैकेट ले लें, उसको निकाल लें और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करें। सो गाइस, मेरे को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैंने सोचा थोड़ा सा अपने हाथों से फेस की मसाज कर ली जाए। सबसे पहले मैंने एंड में थोड़ा थोड़ा और मिल्क जो बच रहा था उसको भी अप्लाई कर लिया है। क्या फालतू में वेस्ट करने से बढ़िया है अच्छे से अप्लाई कर लो। ज़्यादा मिल्क आप मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मिल्क लेंगे तो बाद में वेस्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ अपने हाथ पे थोड़ा सा मिल्क और अपने फेस की मसाज करी। वैसे ही फेस काफ़ी मीन्स गीला गीला था ही, और फिर मैंने हल्की हल्की मसाज करी अपर लिप्स की साइड में, नोज़ के पास, चीक्स पे, जॉ लाइन पर, फॉरहेड पर, ऐसे ही अच्छे से थोड़ी सी ही मसाज करी, जिससे हल्का सा ड्राई ड्राई हो जाएगा, मिल्क स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अभी मैंने लिया है नॉर्मल वाटर, मीन्स कोल्ड वाटर बट नॉर्मल, ये नहीं है मैंने उसमें कुछ डाला नहीं है, दैट्स वाई नॉर्मल। सो अभी मैंने इसमें अपना एक रुमाल या हैंगी या टाल डाला और अच्छे से निचोड़ लिया, और उसके बाद मीन्स जब से उसका पानी निकल जाए, क्योंकि हमको ज़्यादा वैसा पानी टपकाता हुआ नहीं चाहिए, इसको हम इसकी हेल्प से अपने फेस को करेंगे वाइप। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप भी ले लो है ना मिल्क क्लींजर, पैक्स, फेस पैक और स्क्रब्स वगैरह खरीदने की सोच रहे हो, तो मत खरीदना, दैट आर हार्मफुल फॉर स्किन। और स्किन के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट। सो अभी मैंने अपने फेस को मिल्क से क्लीन कर लिया है। मिल्क क्लीन अप के बाद आपको डिफरेंस तो वैसे भी दिख ही रहा होगा। तो अब बारी आती है इस लाल लाल टमाटर की। सो ये टमाटर आपके चेहरे को इससे भी ज़्यादा अच्छा चमकाने वाला है। सो मैंने टमाटर को आधा काटा है बीच में से, और मतलब जो रूट वाला पार्ट होता है ना जिस पर ऊपर वो हरा हरा लगा होता है
वाला पार्ट मैंने ले लिया है। हाँ मैम, इसको अपने फेस पे मसाज करना है, इसका भी स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग विद चीक्स। चीक्स तो हर किसी के बाउंसी ही पसंद आते हैं, मेरे चीक्स भी एकदम बाउंसी हो जाते हैं। इस वाली टिप और ट्रिक्स को यूज़ करने की वजह से मेरे चीक्स और मेरा फुल फेस ही एकदम ग्लो करने लगता है और स्किन बाउंसी हो जाती है। आप लोग भी इस रेमेडी का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इस रेमेडी के बाद हर किसी की स्किन ग्लो करने लगती है और साथ ही साथ स्किन बाउंसी भी हो जाती है। अंडर आइस में भी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इससे डार्क सर्कल्स भी कम हो जाते हैं। नेक को मत भूलना, भले ही वो फेस नहीं बट वो नेक है। नेक से भी आपको अच्छे से इसका यूज़ करना है, इससे आपके नेक का जो मैल है या फिर जो डार्कनेस है वो एकदम साफ़ हो जाती है। क्योंकि हमारे टमाटर में विटामिन सी होता है और विटामिन सी से भी काफ़ी अच्छे क्लींजिंग हो जाती है। अभी मैंने अपने फेस के, जैसे मेरे फॉरहेड पे ना थोड़ा सा यहाँ डार्क रहता था, बट इस रेमेडी का यूज़ करते करते ना मेरे फेस का भी जो डार्क स्पॉट्स थे वो सब क्लीन हो चुके हैं। अगर मीन्स आपको ऐसे कोई भी डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, नहीं भी है तो भी इनका यूज़ कर सकते हो। इस रेमेडी से कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। अगर नेचुरल नहीं होते तो शायद हो सकता था, बट नेचुरल है इसलिए मैं आपको कह सकती हूँ कि इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। सो अपनी नेक को, नेक के पीछे वाली साइड में, फुल फेस पे, लिप्स पे भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने अंडर आइज़ को नहीं भूलना है, क्योंकि डार्क सर्कल्स को कम करता है, याद रखिएगा। क्योंकि इससे डार्क सर्कल्स कम होते हैं तो अंडर आइज़ पर लगाते रहिएगा। लिप्स के कॉर्नर्स होते हैं, इन पर लगा लीजिएगा। कुछ लोगों के लिप्स के कॉर्नर्स पर डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो भी साफ़ हो जाएंगे और भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्लीन हो जाएंगी। सो अभी मैं ना इसको 2 मिनट के लिए इसको सुखाऊंगी, और ये सूखने के बाद कुछ एकदम स्किन वैसे ही बाउंसी हो जाती है। बट इसके लिए फिर मैंने अपना वही वाटर लेना है, पर हाँ मैंने वाटर चेंज कर लिया था, तो चेंज वाटर लेके एंड देन इससे फिर से अपने फेस को हम वाइप करेंगे। एंड हमारा फेस का वो जो एंड लुक आने वाला है ना, वो देख के भी आपको ही पसंद आएगा। और आप अपनी स्किन पे करेंगे ना तो आपको फर्स्ट टाइम से ही एक काफ़ी अच्छा डिफरेंस मालूम पड़ने लगेगा। सो अपना जो बैक है नेक का, उसे मत भूलना, क्योंकि जब लगाते मैं नहीं भूला तो हटाते मैं कैसे भूल जाना है। सो मैंने बन लगा के किया था, आप ओपन हेयर्स में मत करिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय।